अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदर एकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जीके की लर्निंग में यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 में बच्चों वाटर में हम आज पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब हम वाटर यूज करें तो उससे पहले मेक श्योर कि हम इस वाटर को हम साफ कर लें, बिल्कुल क्लीन कर लें, तो ये वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसको जेम से फ्री करना जरूरी है ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारियां जो है गंदे पानी पीने से होती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग वाटर कुकिंग फूड इट कैन मेक अस वेरी सिक। अगर हम गंदा पानी यूज करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं? हम बीमार हो सकते हैं। और इसके अलावा ट्रीटिंग वाटर जो है, वाटर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। सबसे पहले अगर आप टैप वाटर यूज करते हैं तो आप उसको बॉइल कर लें। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये देखा पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम उसको बॉइल करेंगे, और जब बॉइल करेंगे, बॉइलिंग के बाद क्या हो जाएगा कि जरासीम जो जेम्स थे वो सारे किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद जब हमने बॉइल कर लिया तो हम उसको कवर कर देंगे। हम उसको कवर करके क्या कर देंगे, रख देंगे ताकि जितनी भी वाटर की जो भी चीजें वो सेटल डाउन हो जाए। फिर जब काफी टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद, 1 आवर 2 आवर की रिहर्स के बाद हम उसको फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि हम उसको एक कपड़ा लेके या एक छन्ना लेके साफ साफ, जिसमें बहुत ही पतला बारीक कपड़ा हो और जिसमें पानी गुजर जाए, कोई कचरा और कोई डस्ट हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, वो उसमें रह जाए, तो हम इसको सीव से यानी छन्ने से भी हम इसको साफ कर सकते हैं। सीव से भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, हम किसी थ्रो से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम वाटर को क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं कि अगर हम पानी में डायरेक्ट हम क्लोरीन एक केमिकल होते हैं वो डालते हैं तो उससे भी जरासीम सारे मर जाते हैं। अच्छा, पीपल शुड नॉट थ्रो एनी रबिश इनटू बोल। अच्छा, लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को बिल्कुल भी ना कचरा वगैरह पानी में, टैंकों में, दरियाओं में, रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वही जो कचरा हम फेंकते हैं वही हमारे लिए खराब पानी जो है हमारी सेहत को खराब करता है, हमारे लिए बीमारियों का बाइस बनता है, क्योंकि वो कचरा क्या करता है, पानी को गंदा करता है, डर्टी करता है, और इस डर्टी वाटर से हार्म होता है लोगों के लिए, जानवरों के लिए भी नुकसान हो सकता है ये। इसलिए हमें चाहिए कि हम कैसा पानी पिए, हम क्लीन पानी पिए। तो पानी की ट्रीटमेंट के लिए क्या है, बॉइलिंग है, कवरिंग है, फिल्टरिंग है, इसके बाद हम उसको क्लोरीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पानी में कचरा, जैसे हम पिकनिक पॉइंट्स में चले जाते हैं, सी साइड्स पे या किसी कैनाल पे जाते हैं, रिवर्स पे जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस पानी में कचरा ना फेंकें, क्योंकि कचरा फेंकने से वो पानी गंदा होगा और वही गंदा पानी हमारे लिए नुकसान का बाइस बनेगा, हमारी सेहत खराब हो सकती है, और वो जानवर जो वो पानी पिएंगे वो भी नुकसान उठा सकते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पानी की शॉर्टेज होती है तो पीपल को चाहिए, बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पानी कम आता है, पानी नहीं आ पाता, तो हमें पानी को एहतियात से खर्च करना चाहिए, पानी को जाया नहीं करना चाहिए, हमें टैप को बिलावजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मुंह हाथ धो रहे हैं तो तभी हम टैप खोलें, जैसे हम सोप लगाते हैं, करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त जो है पानी का टैप को क्लोज कर दें, नल को बंद कर दें, और जब वॉशिंग कर रहे हो तभी हम उस नल का इस्तेमाल करें। तो ये शॉर्टेज ऑफ वाटर के भी तरीकेकार है जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी एक्टिविटीज करेंगे, इस तरह के चैप्टर हमारा चलेगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।